हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है देवघर का ताला, गंगा नदी, तो गंगा बोलूँ या क्या बोलूँ, गंगा ही है। तो इसकी कहानी है जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। और पहले आप लोग जानते थे कि भगवान जो बहुत जल्दी प्रश्न होकर के सभी को अपने भक्त को दर्शन दे देते थे, तो उन्हीं में से थे रावण। रावण भगवान की बहुत पूजा करते थे शंकर भगवान की, और उनकी तपस्या से खुश होकर जो शंकर भगवान थे उन्होंने दर्शन दे दिया रावण को। तो रावण ने क्या मांगा शंकर भगवान से? तो रावण ने शंकर भगवान यानी कि भोलेनाथ जी से मांगा कि आप मेरे घर चलो। तो शंकर भगवान अब उन्होंने वादा कर दिया था, तो वो तैयार हो गए। पर जो माँ पार्वती थी वो बोली कि अगर शंकर भगवान चले जाएंगे तो वो फिर कैसे रहेंगी। तो फिर वो उन्होंने बोला कि ठीक है, रावण को बोला कि आप एक गिलास पानी पी लो, तो बोला ठीक है। और उसके बाद उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना की, हे गंगा मैया से आप रावण के पेट में इस तरह से चली जाओ कि रावण को है जो रावण को बीच में रुकना पड़े। और रावण से उन्होंने पार्वती माँ ने शर्त रखी कि रावण अगर आप पानी पी लो, अगर आप ले जा रहे हो लेते जाओ, पर कहीं बीच में रुकना नहीं। अगर रुकोगे तो फिर वहीं से जो भोलेनाथ हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे और वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो बस, तो जो रावण था वो लेके जा रहा था, उसे रास्ते में जो है वो पानी पिया हुआ था, तो उसको गंगा माँ जो थी उनके पेट में पूरा भर चुकी थी। और रावण को जो टॉयलेट लग गया, और टॉयलेट लगने के बाद वो इसी देवघर नगरी में रुका, और यहीं पे वो जो है टॉयलेट किया था। और उसी के इस टॉयलेट से ही ये जो है ये गंगा है, ये जो पानी है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे आया, और यहीं पे शंकर भगवान रुक गए, जो कि इनका मंदिर अपने आप यहाँ पे बन गया। तो यही इनकी कहानी है, और इस नदी की यही कहानी, ये जो है ये रावण के टॉयलेट से ही बना हुआ है। तो थोड़ा आप लोगों को अजीब लगता होगा, पर बहुत लोग जानते होंगे। तो बस, और यहीं पे सब आते हैं और यहीं से सब नहा के ही जाते हैं मंदिर के दर्शन करने। मंदिर बहुत ही सामने, तो बस हम लोगों ने नहा लिया है और हम लोग तैयार होकर बस जा रहे हैं मंदिर। मंदिर दूर नहीं है, तो वहाँ से ही सब नहाते हैं, भले ही वो रावण का टॉयलेट हो, पर है तो गंगा मैया ही। तो पानी को हम लोग गंगा मैया ही बोलते हैं। तो चलिए बस, हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। तो हम लोग सब तैयार हो चुके हैं और चलते हैं मंदिर। तो ये देखिए, ये है देवघर। तो झारखंड, जो झारखंड के होंगे उनको मालूम होगा। और ऐसे तो ये सब जगह बहुत नाम है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेश तक से लोग आते हैं। पर जो यहाँ के नहीं होंगे, जो दूर के होंगे, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सुंदर भी है। तो बस यहाँ पे बाबू का हमारा जो है वो मुंडन हो रहा है। मुंडन होने के लिए जो है, तो यहाँ पे जो है मुंडन के लिए हम लोग सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे उसके बाल जो है वो छिलाया जाएगा, कटा नहीं जाएगा, छिलाना बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से बाल जो है उसका छिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे उसके बाल को काटा जा रहा है। और यहाँ पे बाजा भी बज रही थी, और हम लोग बस अपने जो फैमिली के लोग थे, बस वही ये मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी कुछ बोल रही थी। और यहाँ पे पीहू जो है, पीहू वहाँ पे गमछा ली हुई है, क्योंकि गमछे में ही जो बाल है उसको गिराया जाता है, जो नियम होता है उसके अनुसार। और यहाँ पे ये है मेरा भाई, मेरी बहन और मैं भी हूँ। तो मैं आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ, और ये काफ़ी बड़ी मंदिर है और काफ़ी दूर तक है। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि आप मत पूछिए, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे देखिए, बाबू जो है बहुत रो भी रहा था, उसे बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने पकड़ा हुआ था। तो बस, और हमें अजीब सा भी लग रहा था। तो अभी पूजा हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि बाबू का पहले मुंडन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे पूजा के लिए, क्योंकि पूजा मुंडन होने के बाद। और यहाँ पे बहुत मुंडन हो रहा था, बहुत बच्चों के मुंडन सतैसा वगैरह जो होता है बहुत हो रहा था। तो ये देखिए बाबू कैसे रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा था बाबू, तो आप देख लीजिए कैसे। और बहुत बाल उसको काटने बहुत समय लगा, क्योंकि वो नहीं दे रहा था, बाल कटवाने के लिए नहीं दे रहा था, उसे बहुत समय लगा। और उसका जो उसे रोता हुआ देखना हम लोगों को भी बहुत अजीब लग रहा था, पर क्या करें, बाल तो कटवाना ही था ना। तो देख लीजिए, और मंदिर के भी आप लोग दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। और मैंने ये देखिए यहाँ पे, और मुंडन होने के बाद यहाँ पे जो है ये है भोलेनाथ का जो जल चढ़ाया जाता है, वहाँ का ये पानी, निकासी पानी, तो इसी पानी से स्नान किया जाता है। देखिए सबको स्नान, तो बाबू को भी यहाँ पे स्नान कराया गया, और उसके बाद फिर उसके कपड़े को बदल दिया जाएगा। तो बाबू का भी स्नान हो चुका है,
और यहाँ से स्नान करने से ही शुद्ध होता है। और बाबू के बाल जो भी है वो भी चढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से अब हम लोग अब चलेंगे पूजा करने के लिए। और देखिए बाबू बहुत देर तक, बाबू मेरा जो है रोते रह गया, बहुत देर तक वो रोया और बहुत देर तक हम लोगों ने उसे समझाया। तो बस ये देखिए कुछ मंदिर को मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में या फिर देखा होगा। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, कोरोना चल रहा, लग ही नहीं रहा था कि कोरोना है क्योंकि बहुत लोग थे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पूजा के लिए। पूजा करने से पहले किया जाता है संकल्प, तो संकल्प करने से ही पूजा जो है वो शुद्ध होता है। तो संकल्प सभी लोग बैठ करके पहले संकल्प, पंडित जी से संकल्प करवा लेते हैं। और यहाँ पर प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है, बस यहाँ पर फूल वगैरह और अगरबत्ती दिखाई जाती है क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ना, तो उतना अच्छे से पूजा नहीं हो पाता है। तो ये देखिए हम लोग चल पहुंच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाने के लिए सच कहूँ तो ये जो इस तरह से बना हुआ है ये मत पूछिए रेल की तरह है। और ये इतना मतलब दो ढाई घंटे लग गए इसको पार करने में। आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा पर 2 घंटे से ऊपर लग गए इसे पार करते करते अंदर जाने में। और इतनी भीड़ लाइन पे घूमते हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। ऊपर से इतनी गर्मी और बाबू बच्चों को तो गोदी लेकर के बहुत मुश्किल होता है। कुछ समय मैं ले रही थी, कुछ देर मम्मी ले रही थी, पापा ले रहे थे। इसी तरह हम लोगों का बाबू सो गया था बस। तो चलिए इसी तरह करते, और हमारी जो है हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। खड़े कुछ देर लाइन में खड़े रहते फिर रुक जा रहे थे। और बहुत भीड़ थी, सोचे नहीं थे। और सावन में तो मत पूछिए, सावन में तो यहाँ खड़े होने का भी जगह नहीं मिलता है, लेकिन अभी तो जगह मिल रहा है। पर सावन में अगर यहाँ पे कोई आ जाएगा ना तो इससे खड़े होने का भी जगह नहीं मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन भोले बाबा के भक्त है। तो भक्त तो नहीं बट हाँ पूजा हम लोग सभी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मुंडन हो रहे थे। और बस इसी तरह करते करते दो ढाई घंटे पक्का लगे। उसके बाद हम लोग अंदर लास्ट में घुस ही गए, पर मैं अंदर का नहीं ले पाई क्योंकि अंदर लेना पॉसिबल नहीं था। तो ये देखिए बाबू को, और बाबू ना बहुत अजीब सा कर रहा था बाल कट जाने के बाद। ये देखिए तो उसे हम लोगों ने एक गाड़ी खरीद दिया था ताकि वो गाड़ी लेके चुप हो जाए। तो बस पूजा हमारी हो चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग निकलने के बाद, और अंदर तो अगरबत्ती नहीं दिखाते क्योंकि अंदर भीड़ रहती है ना, बहुत धक्का मुक्का खाते हुए हम लोगों ने पूजा की। और बस यहाँ पे अगरबत्ती दिखा देंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बस सभी लोग जो है वो अगरबत्ती दिखा दे रहे हैं और बाहर से। और हम लोगों ने यहाँ पे एक फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो खींचने वाले भी थे तो हम लोगों ने एक फ़ोटो भी खिंचवाई। तो बस हमारी मेरी जो पूजा है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।